हेलो एवरीवन, तो चलो ऐसे वीडियो बनाने के लिए तो हमको तो सिर्फ काइन मास्टर की ज़रूरत है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। चलो वीडियो काइन मास्टर ओपन करने के बाद तो सबसे पहले हमको ये प्लस वाला आइकन जो है उस पर टैप करना है। वहाँ पे तो रेशियो सिलेक्ट करना है, मतलब पोर्ट्रेट बनाना है या लैंडस्केप या आपको स्क्वायर बनाना है। तो हम तो ऐसे लैंडस्केप बनाने वाले हैं। लैंडस्केप पे टैप करने के बाद अब तो आ गया वीडियो, तो आप एडिट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, मतलब बैकग्राउंड पे जो रहेगा आपकी इमेज, जो इमेज लगाना चाहते हो ये वाला। तो मीडिया पे सिलेक्ट टैप करते हैं। मीडिया पे टैप करने के बाद आपको अपने वो बैकग्राउंड ले लेते हैं। चलो कोई भी 1 2 3 ना लो, तो ये आपकी मर्जी जितना चाहिए ले लो। क्या और भी ज़्यादा, तो पिक लेने के बाद ये देखो जो जूम इन और जूम आउट है ना, वो अपने हाथ में कैसे करोगे। तो अभी क्रॉप में जाके तो स्टार्टिंग भी उसको बोला है, स्टार्टिंग पे ऐसे रख सकते हो, मतलब जब वीडियो स्टार्ट होगा फर्स्ट टाइम ऐसे रहेगा। और अगर आपको लास्ट में जूम इन करना है, मतलब ऐसे चलते वक्त, तो साइड में क्लिक करके ऐसे आपको फोटो जूम कर सकते हो। मतलब जब ये स्टार्ट होगा तो फर्स्ट टाइम ऐसा रहेगा और लास्ट टाइम ऐसे जूम होगा। मतलब जो इस पार्ट को जूम करना दिखाना चाहते हो लास्ट में, तो वो जूम होगा, मतलब आप सिलेक्ट करते हो। उसके बाद सबको ऐसे ही कर लेते हो पोजीशन अभी ऐसे। नेक्स्ट में तो क्या लेंगे, ये वाला लाभ ले सकते हैं। चलो ये वाला तो फेस है ही नहीं। ऐसे रख लेते जैसे ऐसे ही। वो सिलेक्ट होने के बाद आपको और भी एक चीज़ है, ग्राफिक्स, मतलब थोड़ा डिज़ाइन करने के लिए लाइट, थोड़ा मतलब और भी थोड़ा एट्रेटिव बनने के, चलो कुछ ले लेते हैं ग्राफिक्स का में। तो ये वाला मेरी सबसे अच्छा है, तो सब में ऐसे ग्राफिक्स लगा लेते हैं। चलो कुछ बहुत सारे मिलेंगे जो ग्राफिक्स, मतलब यहाँ पे एक इमेज में कैसा इमेज दिखना है, जैसे भी चाहो ऐसे लगा सकते हो। ये देखो बहुत सारे वहाँ पे ग्राफिक्स पे, तो चलो ये लगा लेते हैं स्पीक में। और भी क्या इतना फ़ोटो एडिट कर दिया मैंने, मुझे पता नहीं चला। ये वाला बेस्ट है। अच्छा अब देखो इस पिक में तो फेस है ही नहीं, तो फेस ले लेते स्टार्टिंग पे। नहीं स्टार्टिंग पे ऐसे रहने दो थे, तो बाइक में तो लास्ट पे फेस आना चाहिए। हाँ अभी वाह। उसके बाद एक ग्राफिक हो गया और फोटो का, मतलब फर्स्ट से लास्ट तक फोटो कैसे रहेगा ये भी हो गया। अब तो एक फ़ोटो से दूसरी फ़ोटो आने का टाइम कैसे, मतलब इफेक्ट से आएगा ट्रांजिशन कैसे से कहते हैं, तो वो भी चेंज कर लेते हैं। कुछ भी कौन सा अच्छा रहेगा, बहुत सारे मिलेगा आपको, जो आपको मर्जी, जो आपको अच्छा लगे वही लगाना आपके हिसाब से। तो ऐसे ऐसे एक लगा रहते, तो मिडिल पे टैप करने के बाद आता है ट्रांजिशन। तो पिक्चर वीडियो ये वाला भी ले सकते हैं, ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा है। इसमें भी लगा लेते हैं। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे जो इफेक्ट डाल रहा हो, तो डालने के बाद यहाँ पे देखो एक 2.0 टाइमर आ रहा है। मतलब अगर 3.0 ना तो वो इफेक्ट स्लोली होगा, अगर 0.5 पे ना फास्ट होगा। तो ये आपका टाइमिंग है इफेक्ट का, स्लो और फास्ट आपको अपने हिसाब से करना है, आपको जैसे चाहिए ऐसे। तो मैं ऐसे 2.0 लगा रहा हूँ सबको, मतलब एक जैसे सबको एक जैसे रहेंगे थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला भी ख़राब नहीं है। हमने फ़ोटो तो बहुत सारे एडिट कर लिया, फ़ोटो भी घुसाया, एक फ़ोटो से दूसरी फ़ोटो कैसे आएगा वो भी ख़त्म हो गया, ग्राफिक्स के ले लिया, मतलब फ़ोटो काम बहुत सारे काम हो गया। अब तो फ़ोटो बहुत सारे लोगों को पता है कि इमोजी ऐड करना है उस फ़ोटो के, मतलब ऊपर किसी भी फ़ोटो या मतलब इमेजी कुछ भी फ़ोटो के ऊपर ऐड करने के लिए आपको लेयर पे टैप करना है। उसके बाद मीडिया पे टैप करना है। मीडिया पे टैप करने के बाद वहाँ पे आता है आपको इमोजी, मतलब PNG या इमोजी जो भी कहो,
चला एक पीएनजी तो है वहाँ पर, अपना भी एक पीएनजी ले लेते हैं। अच्छा वैसे मतलब अपने हाथों से स्विमिंग जूम आउट मतलब बड़ा या छोटा साइड चेंज सब कुछ कर सकते हो यार। उसको मतलब ऐड आने का मतलब कैसे फ़ोटो ऐड होगा वो भी आप सब कुछ कर दो, इन एनिमेशन पे जाके मतलब ये एनिमेशन कैसे ऐड होगा। तो हम लोग स्लाइड लेफ्ट कर देंगे, स्लाइड लेफ्ट कर हमें शायद दिखने में अच्छा लगेगा। हाँ ऐसे ओवर वेल एनिमेशन मतलब कैसे रखना है पिक को ऊपर थोड़ा मतलब ऐसे रख देते हैं, देखने में थोड़ा बहुत ख़राब तो लगेगा, पता नहीं अच्छा या खराब। ये पिक मुझे एक्चुअली मेरे लिए अच्छा नहीं है। किसी किसी को पिक या पीएनजी या मतलब इमोजी कुछ भी अगर ऐड करना है, अगर इमोजी आपको ऐड करना है तो क्रोम पे जाके डाउनलोड कर लेना इमोजी सर्च करके पीएनजी इमोजी, अदरवाइज मैं आप लोगों से इमोजी के तो इसलिए दिखा रहा हूँ। तो इमोजी अगर आप मान लो ये इमोजी है कुछ भी है ऐड कर लिया, उसका इन एनिमेशन दे दिया कैसे घुसना है और रहना भी कैसे हुआ पर बहुत सारे है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। उसके बाद उसको आउट करना भी आउट भी कर सकते हो, मतलब वो आउट होगा जब कौन सा इफेक्ट आउट होगा, फिर भी स्लाइड राइट दे दूँगा। स्लाइड राइट करने के बाद आपको ख़त्म हो गया, उसका और भी बहुत सारा ऑप्शन है, उसका ऑप्शन मतलब कितना उसको चाहिए या फिर कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद उसका कलर भी कर सकते हो मतलब चेंज, उसके बाद उसको क्रॉप भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे चाहो ऐसे लगा सकते हो। उसके बाद चलो और एक इमोजी डाल लेता हूँ, और एक इमोजी डालने के लिए ये वाला, तो चलो ये वाला कुछ कहाँ पे कुछ इसको इस साइड पे ले आते हैं उस साइड पर, और ये वाला पहले ले देते हैं क्योंकि वहाँ पर पता नहीं मुझे लगा ऐसे लगा दिया। आपको जिस हिसाब से रखना है ऐसे ही रखना है, मतलब अपने हिसाब से रखना है आपको जैसे अच्छा लगे। तो इस पिक को एनिमेशन कैसा दो ड्रॉप दे दूँगा, ड्रॉप ये बेस्ट रहेगा तुमको, उसके लिए उसका टाइमिंग थोड़ा फास्ट हो रहा है ना, थोड़ा स्लो कर दूँगा देखने में अच्छा लगे इसलिए, ये देखो स्लो हो रहा है ना। तो उसके बाद उसका अबाउट वेल एनिमेशन और कर दे दूँगा, उसके बाद आउट एनिमेशन कैसे दो उसको, आउट एनिमेशन स्लाइड डाउन ही दे दूँगा, स्लाइड डाउन चल जाएगा। उसके बाद मान लो ये फोटो का काम तो पूरा काम हो गया। अगर आपको कुछ लिखना है, मान लो आपको वहाँ पे कुछ लिखना है अपना नाम या कुछ भी, चलो लिख लेते हैं। एआर पे टैप करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ना इंस्टा नेम या अपना नेम कुछ भी, मैं तो अपना इंस्टा नेम ही डालूँगा। उसके बाद आपको ये जहाँ पे रखना है मैं तो वहाँ पे ही रखता हूँ, अपने हिसाब से रखना जहाँ पे आपको अच्छा लगे। उसके बाद इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, मान लो ये पिंक लगाना है तो पिंक जो भी। उसके बाद उसका आउटलाइन भी दे सकते हो, उसका शेडो भी दे सकते हो, आपको क्या चाहिए जो चाहिए वो वहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद उसका स्टाइल भी ये वाला ये लगे, उसका स्टाइल भी चेंज करते हो, मुझे तो वही अच्छा लगता है। उसके बाद आपको तो मान लो ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना रेस्टोरेंट 01, तो ये तो पूरा वीडियो में देखना चाहिए, जितना मतलब आपको दिखाना चाहिए उतना ही आप रखना है, मुझे तो पूरा चाहिए इसलिए मैं पूरा पूरा कर लेता हूँ पूरा वीडियो पे। स्टार्टिंग पे भी नाम रहेगा और लास्ट तक एंड तक भी ये वाला नाम रहेगा। तो अब फोटो का काम हो गया है, अभी करना है और ऑडियो का। तो ठीक है, मैं इस वीडियो के लिंक पर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एक ऑडियो, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा इस वीडियो मतलब फ़ोटो की और राइडिंग की, इसलिए आपको अगर चाहिए तो डाउनलोड करके लगा सकते हो।
मीडिया पे जाना है और वो वीडियो जहाँ पे रहेगा वो वीडियो एड करना है। वो वीडियो एड करने के बाद वो फर्स्ट से और यह देखो फर्स्ट टाइम तो उसे बड़ा करना चाहिए, ऐसे बड़ा हो से कर सकते हो, अदरवाइज ये एक स्टेप में ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाए। उसके बाद आपको वहाँ पर तो पूरा ग्रीन हो गया कुछ नहीं की तरह, उसके लिए आपको क्रोमा की भी जाना है, इनेबल करना है। देखो अब हो गया, आपको मतलब अगर अच्छा क्लियर नहीं आया है तो आप कुछ भी करके क्लीन कर सकते हो। ये देखो पूरा क्लीन हो गया, तो अब ऑडियो भी आ चुका है, अपना पूरा इफेक्ट भी आ चुका है। क्या चाहिए आपको, लेयर पे तो टेक्स्ट बोल दिया, आपको अपने हिसाब से लगाना है, ये मुझे भी लगा सकते हो, फोटो भी और इफेक्ट भी और सब कुछ। अगर मान लो आपको ये वाला रेडर खान और जो है ना, इसको भी ओवर वेल एनिमेशन, मतलब वो फर्स्ट से लास्ट तक कैसे रहे, इसका भी एनिमेशन लगा सकते हो। मतलब इमोजी पे जैसे एनिमेशन लगाया इन का आउट का और जैसे रहेगा ऐसे ऐसे ही उस मतलब जो लेटर हमने लिखा है ना उसका भी एनिमेशन, मतलब वो इन कैसे हो, यहाँ पे जाके इन भी लगा सकते हो, आउट भी लगा सकते हो। ओवर वेल हम लगा देते हैं, मतलब ओवर वेल उसको लगा देते हैं ओवर वेल। और एक चीज़ वो मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा काम कर देता हो उसका रेसर 101 का, मतलब ओपेसिटी जो है वो ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत लाइट आ रहा है, इसलिए थोड़ा ओपेसिटी कम कर देते हैं। नहीं नहीं वो तो दिखाई भी नहीं दे रहा है अच्छी तरह से, अब बढ़ाना पड़ेगा। अब तो हो गया है, पता नहीं कुछ छुड़ गया या नहीं। अगर आपको कोई भी कभी भी प्रॉब्लम हो तो अपना इंस्टा आईडी है ना Rasakhan01, तो वहाँ पे जाके कुछ मतलब बोल देना कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे जाके कुछ बोल देना। उसके बाद अब तो हो गया है, अब एक बार चेक कर सकते हैं हम वो जो वाला लास्ट वीडियो, उसको टैप करने के बाद लास्ट वीडियो जो हमने एडिट किया था उस वीडियो अभी भी है, एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पर टैप करके, और प्ले बटन भी है, तो प्ले बटन को देख लेते हैं कैसा हुआ। पता नहीं इतना अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा तो हुआ ना। तो उसके बाद आपको एडिट भी करना है तो एडिट भी जाके एडिट कर सकते हो, बस शेयर बटन पे जाके, और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ये वाला एक्सपोर्ट हम करोगे, एक्चुअली मेरे हिसाब से ये साइज जो है ना फुल HD 1080 वहाँ पे भी रखना है, तो आपको पीक क्लीन रहेगा। अदरवाइज आप नीचे वाला जो 720x540 पे रखोगे तो अपना जो वीडियो है वो क्लियरिटी नहीं रहेगा, 1080 बेस्ट है। और वहाँ पे नीचे वाला जो बिटेड है ना लो का, ये वाला 9.41 ये बेस्ट है, मतलब 10 के आसपास ही बेस्ट है, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं, चलो हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट सेक्शन में आके बोलना कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। एक्चुअली ये वीडियो मेरा एक फ्रेंड ने बोला था, वो वीडियो एडिट करना चाहता है, उसने बोला था एक वीडियो बना कर दो, इसलिए तो एक ही फ्रेंड के लिए बाकी सारों का हेल्प कर रहा हूँ। ये मेरा काइन मास्टर के ऊपर फर्स्ट वीडियो है, अगर आप लोग मेरे साथ रहोगे, लाइक करोगे और कमेंट करके बोलोगे कि ऐसी वीडियो चाहिए, तो ठीक है मैं आप लोगों के साथ हूँ हमेशा। आप लोग हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना यारो। टाटा बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।